हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और सबका सही जा रहा होगा। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हमारी गाड़ी जो है वो पहुंच गई है होंडे पे, और लेकिन हम अभी डिलीवरी ले नहीं सकते। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो हमारा रोड है ना वो आगे से ब्लॉक है पूरा, स्नो की वजह से आइस जम गई है उस पर। तो अभी के लिए चलते हैं, हम करते हैं आइस वो बर्फ साफ और करते हैं थोड़ा सा रोड क्लियर, फिर हम इंशाल्लाह लेंगे कल गाड़ी की डिलीवरी। आज दिन को बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर आना है और सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बाकी गाइस, लेते हैं हम यहाँ से पहले बेलचा, जिससे हम बर्फ उठाएंगे। और लिया जाए हमने बेलचा और चलते हैं, अभी उठाते हैं बर्फ। जैसे आप देख सकते हैं ये पूरी बर्फ उठानी है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। और जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे जैसा कमज़ोर बंदा इतना नहीं उठा सकता। तो बुलाते हैं हम किसी और बंदे को भी साथ, फिर उठाते हैं साथ मिलके, फिर देखते हैं कैसा गुजरेगा सीन। आपके साथ भी शेयर करेंगे आज दिन का सारा सीन। तो गाइस, आप देख सकते हैं बर्फ हम काट रहे हैं, बहुत ही मेहनत का काम है। आपके साथ मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ये बर्फ हम साफ करके आप सकते हैं। इतने काटने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, लेकिन अभी हम हार नहीं मानेंगे। अभी जब तक हम चलेंगे, आपको भी दिखाएंगे आज इसको ख़त्म करके रहें। पर आप देख सकते हैं दूसरा बंदा भी लग गया, इतने ज़्यादा थक गए। तो गाइस, बहुत ज़्यादा जो है वो हालत ख़राब हो गई थी बर्फ़ उठाते उठाते, और अभी टाइम आ गया 11:45। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, फिर और उठाते हैं वो बर्फ़, क्योंकि गाड़ी की डिलीवरी जो लेनी है। तो अभी के लिए मैं रेस्ट करता हूँ थोड़ा सा, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस, ये वाला फ्रेम जो है ये पिछले फ्रेम के ऑलमोस्ट 6-7 आवर्स के बाद शूट हो रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और जो बर्फ़ है वो अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर मैं आ गया था डायरेक्ट अपने रूम में, किया मैंने रेस्ट 2-3 आवर्स तक। फिर मुझे मान नहीं दिया काम कि जाओ मार्केट और कुछ सामान लेके आओ। फिर मैं गया था मार्केट, लाया मैंने सामान सारा कुछ, क्योंकि आज जो है शब बारात है। आपके साथ भी करेंगे शब बारात का एक्सपीरियंस शेयर, कैसा कुछ रहेगा। तो फिलहाल के लिए आप व्लॉग में जो है वो बने रहिए। सामान जो मैं लेके आया था उसका वीडियो जो है वो मैं नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था मैं। तो इसलिए अब मैंने चिकन वॉश वॉश करके कट वट करके इसमें अब मैरिनेशन के लिए रखते हैं। चिकन जो है वो मैरिनेट हो गया है, और ये रहा मक्की का आटा और चावल का आटा जो कि कोटिंग के लिए है, और ये है अंडा, ये भी शायद कोटिंग के लिए है ना। तो भी करते हैं इसको कोटिंग। तेल जो है वो गर्म हो चुका है और अभी हम चिकन पॉपकॉर्न वो फ्राई कर रहे हैं। तो करते हैं इनको फ्राई, फिर आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। लेकिन आई एम श्योर कि जो टेस्ट होगा वो बाजार जैसा होगा। तो अभी के लिए हम टेस्ट करते हैं। एग्जैक्ट बाजार जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे बने हैं। और खैर, चलिए अभी करते हैं हम अपनी शॉप को स्टार्ट। तो आप वीडियो में बने रहिए। आपने कि वजू भी मैंने बना लिया, एंड अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर का सीन क्या है। तो आपके साथ भी शेयर करेंगे सारा कुछ जो भी रहेगा। तो अभी के लिए चलिए चलते हैं। शर्क भी माफ है। तो इस रात की बरकतों में, रहमतों में हम तौबा करें अपने गुनाहों पर। हम नेकियां भी गुनाह हैं हमारे, और मैं फिर सुना रहा हूँ, इस रात में बख्शिश नहीं होती शराब पीने वाला। हा
3:31 इन द मॉर्निंग एंड अभी हो गया हमारा शब कंप्लीट। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है वो नींद आ रही है। एंड अभी आपको बाहर का जो है वो सीन दिखा देते हैं। बाहर अंधेरा है, आप देख सकते हैं बाहर के हालात। तो खैर इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा फॉर व्हाट सो रीजन गिव इट अ लाइक। आई विल सी यू सम अदर डे। टिल देन गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।